ये कहानी है हमारी आपकी और पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की। ये सच है कि इंसानों को इस पृथ्वी पर एक लंबा समय बीत चला है। आज हमें कई रंग रूप के इंसान देखने को मिलते हैं, लेकिन क्या यह आपने कभी सोचा है कि इंसानों का विकास कैसे हुआ? और क्या सच में हमारे पूर्वज बंदरों समान दिखने वाले जीवों के पूर्वज थे जिनसे आदि मानव का विकास हुआ? क्या आप यह जानते हैं कि आदि मानव कैसे रहा करते थे और वो अपने वंश को आगे कैसे बढ़ाते थे? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। करोड़ों साल पहले जब जीवन की शुरुआत हुई, तब बंदरों की प्रजातियों से एक अलग नस्ल का विकास हुआ जिसे आज हम आदि मानव कहते हैं। बंदरों के नस्ल के ये जीव समय के साथ अपनी भूमिका में रहे, यानी इन्होंने बदलते स्वरूप व दिमागी सोच से इस पृथ्वी पर अपने आप को आधुनिक रूप में सर्वश्रेष्ठ जीव के रूप में विकसित किया। कहा जाए तो जब यह अपने प्रथम चरण में थे तो इन्होंने प्रकृति से लड़ते हुए खुद को दो पैरों पर चलना सिखाया और उन्होंने अपने को इस पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए अन्य जीवों का शिकार करना शुरू किया। कहा जाता है कि आज से 19 लाख साल पहले होमो इरेक्टस जैसे मानव के समान जीव अस्तित्व में आए थे। यह हमारे पूर्वजों से मिलते जुलते थे, पर यह मानव जैसे प्रजाति के पहले वो जीव थे जिसने अफ्रीका से बाहर निकलकर अफ्रीका, मिडल ईस्ट और दक्षिण एशिया के एक बड़े हिस्से पर अपना राज कायम किया था, जो लगभग 70,000 साल पहले मानव समान प्राणी के रूप में दिखाई देने लगे। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्या हुआ जो यह जीव विलुप्त हो गई? दरअसल जिस समय होमो इरेक्टस अपनी ताकत बढ़ा रहे थे, उसी वक्त इंसानों से समानता रखने वाले एक और प्रजाति जिसे होमो हाइडलबर्गेंसिस कहा गया, वह भी उसी अफ्रीका में पनप रहे थे, जिसने आज से तकरीबन 3 से 4 लाख साल पहले यूरोप और एशिया में कदम रखा। यही हाइडलबर्गेंसिस यूरोप व एशिया में विकसित हुए और कुछ प्रजाति जो अफ्रीका में ही रह गई थी वह मॉडर्न ह्यूमन यानी होमो सेपियंस के रूप में विकसित हुई। और अब होमो इरेक्टस के बाद होमो सेपियंस ने भी अफ्रीका से निकलकर मिडिल ईस्ट में अपना पहला कदम रखा, यानी यह सभी मानव प्रजातियां आदि मानव का ही रूप थी जो सर्वप्रथम अफ्रीका से ही पूरे विश्व में विस्थापित हो गए थे। आज के इस दौर में अफ्रीका के जंगलों में कई आदिवासी समूह मौजूद हैं जो संभवतः यहाँ के मूल निवासियों में से एक हैं। आदि मानव का विकास दूसरे जानवरों के उलट बड़ी तेजी से हुआ था। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अनेक चीजों को बनाने लगा, जिसमें समय के साथ साथ तेजी से विकास हुआ। वक्त के साथ साथ आदि मानव की जिंदगी बेहतर होने लगी।